ये भी देखिएगा मनीष कश्यप ने, आप लोग जेल मत जाइएगा 9 महीना के। सच्चाई अगर आप दिखा रहे हैं तो हम जेल जाएंगे। वो हो मनीष कश्यप गए नहीं गए? हाँ मनीष कश्यप। लेकिन चाचा मैं आपको ये भरोसा देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सरकार चाहे आने वाली कोई भी सरकारें हो, ये जेल में डालेंगी हमें, कारावास में डाल देंगी, चाहे काले पानी का सजा दे दें, लेकिन गरीबों के लिए खड़ा रहूंगा। जो इसलिए जो सच्चाई दिखा रहे हैं आप, यानी यहाँ की सच्चाई दिखा रहे हैं ना, मगर ऊपर वाले जो है वो क्या करेंगे, सब दबाव डालेंगे धड़ाधड़। मनीष कश्यप को इसीलिए, मनीष भाई को इसीलिए जेल भेजा गया था। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर आए हैं मुसहर समाज की बस्ती में, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हमको भूखे मिल गए, और आपको ये बता दें भूख से ये तड़प रहे थे। हमारे पास खाना तो नहीं था, लेकिन ये कोशिश रहती है कि बच्चों को कम से कम बिस्किट ही मंगा कर अपने हाथ से उनको दे दिया जाए। अगर हम यहाँ पर आए हैं उनकी आवाज उठाने के लिए, तो हमारा ये भी फर्ज बनता है। लो बेटा, ये भी देखिएगा मनीष कश्यप ने, आप लोग जेल मत जाइएगा 9 महीना के। सच्चाई अगर आप दिखा रहे हैं तो हम जेल जाएंगे। वो हो मनीष कश्यप गए नहीं गए? हाँ मनीष कश्यप जेल तो आप लोग भी मत जाइएगा जेल। हाँ। जो इसलिए जो सच्चाई दिखा रहे हैं। हाँ। आप यानी यहाँ की सच्चाई दिखा रहे हैं ना। हाँ। मगर ऊपर वाले जो है वो क्या करेंगे, सब दबाव डालेंगे धड़ाधड़। मनीष कश्यप को इसीलिए, मनीष भाई को इसीलिए जेल भेजा गया था। उसने कहा था 2 साल बाद पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया था नहीं गिर गया था? सही बात, सही बोले हैं, सही बात बोले हैं। चाचा और पास में ले लो, और सही बोल रहे हैं। उसके बाद जो रोड है जो कुछ है सब नंबर जो काम होता है। हाँ बिहार में सही बात था। और यहाँ पर कोई ये असलियत दिखाने वाला नहीं है। हाँ मनीष कश्यप भाई थे तो उनको जेल भेज दिया। वो जब तक थे वो बिहार में अपना दिखाते थे, हकीकत जो कहते थे वो होता था, सामने आता था। हाँ तो मतलब हमको भी सच्चाई दिखा रहा है, हमारे ऊपर भी खतरा हो सकता है। ये सरकार की कोई हमको टेंशन नहीं है, कब क्या कर सकती है। हाँ। भाई उनका वहाँ बिहार में सरकार है। हाँ सही बात, सही बात। यहाँ उनकी है तो सरकार, यहाँ योगी मोदी की। हाँ तो हो सकता हो सकता है सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले की हमारी बेइज्जती हो रही है, मैं जो दिखा रहा हूँ ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो यही चीज है ना चाचा। हाँ ये चीज है, ये आप दिखाइए। ये अगर सावधान होकर, क्योंकि सरकार भी हमको दबोच में ले सकती है। हाँ हाँ जो कहना साहब बोल रहे हैं। लेकिन चाचा मैं आपको ये भरोसा देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सरकार चाहे आने वाली कोई भी सरकारें हो, ये जेल में डालेंगी हमें, कारावास में डाल देंगी, चाहे काले पानी का सजा दे दें, लेकिन गरीबों के लिए खड़ा रहूंगा, सच्चाई दिखाता रहूंगा। अगर आपको इतनी बातें अगर सूचना मिलेगी तो हम लोग जिस लाए हैं उसके आप लोगों को मदद भी करेंगे हम लोग, जैसे भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए जो आप जितने लोग हैं छोटे बड़े सबको लेकर चलूंगा, ये हमारा दावा है। देख सकते हैं ये चचा सीधा बोल रहे हैं कि आप जो है मतलब राज रावत सच्चाई दिखा रहा है, तो इसको खतरा हो सकता है। जिस तरह से सच्चाई दिखाने के लिए मनीष भाई को, मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया, उसी तरह हमको भी हो सकता है। हो सकता है, ये कर सकते हैं, इनके मन में चल रहा होगा। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ, चाचा को भरोसा दिलाया, मुझे जेल में डाल दे, मुझे काले पानी की सजा कर दे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज बुलंद है ये हमेशा बुलंद रहेगी, और सच में दिखाता रहूंगा। गरीबी, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे हमेशा आप सबके समक्ष लाते रहेंगे, और ये हकीकत दिखा दिखा कर सरकार से सवाल मैं करता रहूंगा, भले सरकार हमको जेल भेजने का प्रयास करे। चाचा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो हमारे लिए इतना चिंता करते हैं। देखो चिंता है भाई, क्यों नहीं चिंता, सामने आई हुई है, मनीष कश्यप को जेल भेजा गया है। ऐसा हो सकता है हम लोगों को हो, सच्चाई वही चीज है, वही है। और जो कहना है सरकार को सच नहीं चुभता, मतलब सच पचा नहीं पाती सरकार। सरकार सब करती है ठीक, जो बीच के हैं बिचौलियों को नहीं, बिचौलियों को नहीं है शोभा नहीं देता। वो कोशिश करते हैं कि इस पत्रकार को जेल भेज दिया जाए तो मामला ही समाप्त, मामला समाप्त। इसीलिए जिन लोगों का अभी तक न राशन कार्ड बना, न आधार बना, न कोई यहाँ मुसहर मिला। इस वक्त मैं मुसहर समाज के घरों पर आया, मतलब उनकी बस्ती में आया था, सच्चाई दिखा रहा था। चाचा ने सीधा बोल दिया आप हमेशा सच दिखा रहे हैं, आपको भी कहीं मनीष कश्यप जैसा जेल न भेज दिया जाए। सोचो जनता को परवाह है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाचा भैया। बस बस।